नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिनभर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। इंडिया की बैठक पर नीतीश कुमार ने साफ साफ कह दिया, हम नहीं। नीतीश तेजस्वी साथ खड़े होकर बीजेपी पर खूब बरसे। बीजेपी नहीं मानती देश को 1947 में मिली आजादी। चिराग ने नीतीश पर लगाया बड़ा आरोप, क्या खेला हुआ है। नीतीश कुमार को उनके घर से हटाएगी बीजेपी, बोले सम्राट। शिक्षा विभाग को घेरने निकल पड़े हजारों छात्र, खूब बोले। बिहार में बीएड वालों को नहीं मिलेगी नौकरी, चिराग का दावा। सरेआम सीओ पर भड़के नीतीश के मंत्री, सुधार देंगे तुरंत। बिहार के मुजफ्फरपुर में फिर चली गोली, निशाने पर फिर से ठेकेदार। बगहा मोतिहारी मामले पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, इतने गए भीतर। अब खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र में होने जा रही इंडिया की बड़ी बैठक पर जहां एक तरफ नीतीश कुमार को लेकर कई तरह के बातें सामने आ रही है, तो वहीं सीएम नीतीश ने आज खोलकर अपने दिल की बात भी मीडिया के सामने रख दी। दरअसल नीतीश कुमार ने साफ कह दिया कि उन्हें संयोजक बनने की कोई तमन्ना नहीं है, वो तो बस सभी को एक मंच पर लाना चाहते हैं और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। जरा सुनिए नीतीश कुमार क्या बोल रहे थे। हमको कुछ नहीं बनना है, हम तो आपको बराबर कह रहे हैं, वो दूसरे लोगों को बनाया जाएगा, हमारी कोई इच्छा नहीं। हम तो सबको एकजुट करना चाहते हैं और सब मिल करके करें, हमको कुछ व्यक्तिगत नहीं चाहिए, हम तो सबके हित में चाहते हैं। इसलिए ये कभी मत सोचिए कि हम लोग कुछ चाहते हैं, ये सब बात नहीं, हम लोग तो सबको एकजुट कर रहे हैं। इन दिनों बीजेपी के सम्राट चौधरी बिहार सरकार और नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव पर खूब बोल रहे हैं। अब उनके आजादी वाले बयान पर नीतीश तेजस्वी ने एक साथ खड़े होकर जवाब दिया है। अब इससे पहले कि नीतीश तेजस्वी को सुनाए, आप ये जान लीजिए कि सम्राट चौधरी ने आजादी को लेकर क्या कहा था। दरअसल उन्होंने यह कह दिया कि आजादी हमें 1947 में मिली ही नहीं। अब सुनिए नीतीश तेजस्वी क्या जवाब दे रहे हैं। असली आजादी देश को 1977 में मिली है, जेपी आंदोलन के बाद। ये बोल रहा है सम्राट चौधरी ने, 1947 में आजादी मिली उसे वो नहीं मानते हैं। तो ये तो सीधे सीधे हमको तो नहीं मालूम है, उन लोगों के किसी बात पर हम ध्यान ही नहीं देते। अब आजादी कब हुआ ही मालूम नहीं है। आज जिसको आजादी की बात के बारे में मालूम नहीं है, इसका मतलब वो कितना इलीगल है। इसे छोड़िए ना उन सब चीजों का, उस सबका कोई वैल्यू है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने आजादी को लेकर बड़ा बयान दिया है। हालांकि आपने सुन लिया है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने उनके बयान पर क्या प्रतिक्रिया दी है, पर अब सम्राट चौधरी के उस बयान को भी सुनिए जिसमें वो सब कुछ बोल रहे थे। मैं 1947 में आजादी मानने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। अंग्रेजों ने जरूर छोड़ दिया, लेकिन नए अंग्रेज देकर गए, समझ गए। और मैं संपूर्ण आजादी जो पटना के धरती से निकला और जो 1977 में पहली आजाद नई सरकार बनी, मैं उसी को संपूर्ण क्रांति मानता हूं। यह था भारत। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को लेकर एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इस बार तो नीतीश कुमार की योजनाओं पर ही सवाल उठाते हुए कह दिया कि नली गली और नल जल योजनाओं में कितना भ्रष्टाचार हुआ है, वो किसी से छुपा नहीं है। इसके साथ ही चिराग पासवान युवाओं को ठगने का आरोप भी लगा रहे हैं। जरा सुनिए और समझिए उनके इस बयान के असली मतलब को। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो 7 निश्चय की बात करते हैं, उनका विजन भी देख लीजिए। क्या बिहार के युवाओं को नली गली बनाकर आगे लेकर जाना चाहेंगे या नल जल देकर वो आगे लेकर जाना चाहेंगे, और नली गली नल जल में कितना भ्रष्टाचार है ये भी किसी से नहीं छुपा। बिहार के इतिहास की सबसे बड़ी भ्रष्टाचार की अगर कोई योजना है तो वो 7 निश्चय है। जैसे जैसे लोकसभा का चुनाव नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे हमलों के तीर और भी तेज चलने लगे हैं। और मामले में बीजेपी की ओर से सम्राट चौधरी ने बखूबी मोर्चा संभाल रखा है। इस बार फिर से सम्राट चौधरी नीतीश कुमार पर बड़ा हमला करते हुए बोल रहे हैं, इस बार तो उनके घर से ही हटा देंगे। अब सम्राट चौधरी के इस बातों पर जदयू के रिएक्शन का इंतजार रहेगा, लेकिन उससे पहले आप उनके इस बयान को सुन लीजिए। हम आपको पूरी तरह स्पष्ट करते हैं कि नालंदा पूरी तरह नीतीश मुक्त भी करना है और नीतीश के लोगों से भी मुक्त नालंदा करना है। बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक से फरियाने और विभाग को घेरने के लिए छात्र नेता दिलीप कुमार के साथ सैकड़ों लड़के रोड पर उतरे। राजधानी पटना में माहौल गर्म देख पुलिस ने भी मोर्चा संभाल रखा था, लेकिन अब साफ ये भी सोच रहे होंगे कि उनकी अब कौन सी समस्या है।
जिसे लेकर वो के पाठक से मिलने को आतुर हैं। तो सुन लीजिए पूरी बात। देखिए, ये शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मिलना है अभ्यर्थियों को, हम लोग वही जा रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि सरकार इनके दुख दर्द को समझे। शिक्षा विभाग जाइएगा, शिक्षा विभाग। हम लोग चाहते हैं कि भाई एसटीटी 2023 में अपियरिंग वाले को फॉर्म भरने का मौका दे दिया। एक तरफ जहां बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर कई सवाल खड़े हुए, तो वहीं अब इस पर खूब सियासत भी होने लगी है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीएड वाले अभ्यर्थियों को झटका लगा, लेकिन फिर भी वो परीक्षा देने में सफल रहे। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या सरकार उन्हें नौकरी देगी या सब कुछ हंगामा से बचने के लिए बस दिखावा हो रहा है। ये सवाल किसी और ने नहीं बल्कि चिराग पासवान ने उठाया है और ये तक कह दिया कि नीतीश तेजस्वी इन लोगों को नौकरी नहीं देने वाले हैं। नीतीश कुमार के मंत्री अशोक चौधरी आज जमुई के सीओ पर खूब गर्म हो गए। इतना उखड़ गए कि ये तक कह दिया कि सरकार जो पैसा देती है उससे पेट नहीं भरता क्या। भ्रष्टाचार के आरोप में सीओ को फटकार लगाते हुए मंत्री जी गुस्से से लाल हो गए और चेतावनी देते हुए क्या क्या बोलने लगे वो भी सुनिए। हालांकि उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है। मुजफ्फरपुर के अहियारपुर थाना क्षेत्र में रविवार यानी 27 अगस्त की देर रात बदमाशों ने एक ठेकेदार को गोली मार दी। घायल ठेकेदार की गंभीर हालत देखते हुए उसे पीएमसीएच रेफर कर दिया। ठेकेदार की पहचान मीनापुर थाना क्षेत्र के चांदपन्ना निवासी उदित सैनी के रूप में की गई है। घटना के पीछे पैसों के लेन देन का विवाद बताया जा रहा है। घटना के बाद इस पूरे मामले में पुलिस जांच में जुट गई। घायल ठेकेदार उदित सहनी ने बताया कि पैसों का विवाद था। रविवार को रात में चतुरी सहनी का कोई आदमी उसे बुलाकर ले गया था। उसके बाद सलेमपुर में सभी एक साथ बैठकर बात कर रहे थे। इसी दौरान दो बाइक पर सवार चार अपराधी आए और उनके सिर में गोली मारकर फरार हो गए। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत बगहा में उपद्रव मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। महावीर जुलूस के दौरान नगर में अशांति फैलाने के मामले में दो संप्रदाय के लोगों पर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने एवं इस दौरान अनेक घटनाओं को अंजाम देने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों के लोगों पर अलग अलग प्राथमिकी दर्ज की। इसमें अब तक कितने लोग भीतर ठहरा है और एडीजी क्या बता रहे हैं वो भी सुनिए। बगहा जिले में और मोतिहारी जिले में महावीरी झंडे को लेकर के सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न हुए, उसमें पुलिस के द्वारा लगातार ठोस कार्रवाई की गई है। बगहा जिला पुलिस में कुल 9 प्राथमिकी अभी तक दर्ज की गई पूरे उपद्रव को लेकर, और इसमें 70 उपद्रवी तत्वों को अभी तक बगहा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। खबर में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।